marry Ranbir, kill Sushant, hook up with Ranbir. Arjun Kapoor, first. Siddharth, second. Aditya Roy Kapoor, third. So then Varun and then Sushant. Virat Kohli, hot. Arman Kohli, not. Ranbir Kapoor, very hot. Imran Khan, extremely hot. Sushant Singh Rajput, huh? अगर साफ साफ कहा जाए तो करण जौहर के शब्दों में, करण के हिसाब से, कॉफी विद करण एक पारिवारिक शो है। इसमें सभ्यता और संस्कारों की बातें की जाती है। करीना कपूर, अर्जुन कपूर, आलिया भट्ट, विजय देवरकोंडा के बाद करण जौहर भी पगला सा गया है, भड़क गया है जनता के ऊपर। कहता है कि मेरा शो कॉफी विद करण अगर तुम लोगों को पसंद नहीं है तो देखते क्यों हो, क्यों उसके बारे में बातें करते हो, क्यों इतनी नफरत और ट्रोलिंग करने का काम करते हो मेरे शो के बारे में और मेरे बारे में, अगर बॉयकॉट करते हो तो देखते ही क्यों हो मुझे। इस तरह के शो और भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बारे में बातें नहीं करते हो, सिर्फ तुम्हें मेरे ही शो के बारे में बातें करनी है। करण ने कहा कि मैंने इतने सारे कॉमेंट्स देखे, इतनी सारी बातें सोशल मीडिया पर पढ़ ली इस शो के बारे में, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि ये लोग इस शो को देखते भी हैं और इसके बारे में नेगेटिव खबरें भी देते हैं। हमारा शो उतना ही अच्छा है जितना काउच पर बैठे हुए मेहमान होते हैं। इनका ये कहना है कि ट्रोलिंग कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक लगती है, पता नहीं लोग इसे इतना क्यों कोसते हैं और देखते भी हैं। लोग अपना समय निकालकर पोर्टल्स के ऊपर मेरे शो के बारे में अनाप शनाप लिखते हैं, जबकि वो इस शो को पसंद तक नहीं करते। अगर साफ साफ कहा जाए तो करण जौहर के शब्दों में, करण के हिसाब से, कॉफी विद करण एक पारिवारिक शो है। इसमें सभ्यता और संस्कारों की बातें की जाती है। पति और पत्नी को सामाजिक जीवन में, घर पर, बेडरूम में कैसे रहना है, इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है, उसकी चर्चा की जाती है और उसे देखकर ही हमारा समाज जागृत हो रहा है। करण जौहर सिखलाते हैं कि एक पति और पत्नी बेडरूम में कितने प्यार से रहते हैं, ये हम अपने शो में सिखलाते हैं। इस शो में जो भी गेस्ट आते हैं वो गलत नहीं है, सब पाक साफ है, सब के सब पवित्र है, एकदम पानी की तरह, सब के सब एकदम पवित्र है, सबका जो जीवन चरित्र है वो पानी की तरह, आईने की तरह साफ है। शराब, शबाब, सिगरेट, ड्रग्स, इन सभी चीजों से दूर रहते हैं, फिर भी न जाने लोग इस शो से क्यों नफरत करते हैं। क्यों भाई, क्यों नफरत करते हो, बहुत गलत काम करते हो आप। अरे गंदी गंदी बातें करने के लिए, इस तरह की वाहियात चीजें बनाने के लिए ही तो हमारी सरकार ने इनको पद्मश्री दिया है, और जिसे पद्मश्री मिल जाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो भैया करण जौहर को ट्रोल मत करो, बहुत ही सीधा इंसान है, बहुत ही पारिवारिक इंसान है, सभ्यता और संस्कारों की बयार बहाता है, उसे गलत मत कहो यार, बहुत बुरा लगता है।